इंस्टीट्यूशन है या डिफरेंट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आपकी कम्युनिटी सेंटर्स हैं या मस्जिद है तो ये इनफॉर्मल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स या रिटर्न रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ये वेल well स्ट्रक्चर्ड होती हैं और ये स्पेसिफ़िक गोल को अचीव करने के लिए बनती हैं इनकी एग्ज़ाम्पल्स के तौर पर हम पाकिस्तान की जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनका नाम ले सकते हैं सिविल ब्योक्रेटिक ऑर्गनाइजेशन हो सकती हैं डिफरेंट कॉपोशन हो सकती हैं जैसे मल्टाई नेशनल ऑर्गनाइजेशन हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन हैं एन जी ओज हैं तो ये सारी फॉर्मल ऑर्गनाइजेशन की डेफिनेशन में आती हैं इसके जो की करेक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं कि नंबर वन दे डू हैव द फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स से मुराद ये है कि ये आर्बिट्ररी नहीं होते हैं ऐसे नहीं होता कि रैंडमली हम कोई भी रूल जो है वो जब जो ही कोई सिचुएशन अराइज़ हो तो हम फौरी तौर पे रूल बना लें या रूल को मॉडिफाई कर लें बल्कि एग्जिस्टिंग प्री रिटर्न रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं कहीं भी किसी भी आ, मसले के ऊपर जब इनको गाइडलाइन या गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो वो उस रिटर्न कोड को देख के डिसाइड किया जाता है दैट हाउ one person or how the group of people should behave within the structure of that formal organization. फिर इसका जो structure होता है वो hierarchical होता है जो जो positions social positions होती हैं वो status based होती हैं social status based होती हैं और different positions जो हैं वो uh, subordinate और superordinate की category के अंदर divided होती हैं ये नहीं होता है कि सबका रुतबा एक जैसा होता है क्योंकि एक चेन ऑफ कमांड होती है उसको फॉलो करना होता है और उसको फॉलो करने के लिए जो रिलेशनशिप्स के अंदर इनक्वालिटी मौजूद होती है कुछ पोजीशंस जो हैं वो हायर स्टेटस कंसीडर की जाती हैं जो कि कमांड कमांडिंग पोजीशंस होती हैं जो उस पूरी ब्यूरोटिक या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर डिसीजन मेकिंग का रोल भी प्ले करती हैं और फिर बाकी ग्रुप मेंबर से किस तरह से काम लेना है किससे क्या काम लेना है उसको भी वो डिसाइड करते हैं डिफाइंड रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये नहीं होता है कि एक ही ग्रुप मेंबर जो है वो मल्टी टास्कर का रोल परफॉर्म करे और वो सारे जगहों के ऊपर या सारी पोजिशन के ऊपर जो है वो आपको एक्ट करता हुआ मिले मिसाल के तौर तो पर आपकी यूनिवर्सिटी जो है ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर एक हेरार्कल स्ट्रक्चर मौजूद है एक रेक्टर या वाइस चांसलर जो है वो अपना रोल परफॉर्म करेगा इसी तरह से रजिस्ट्रार अपना रोल परफॉर्म करेगा टीचर अपना रोल परफॉर्म करेगा और स्टूडेंट का जो है वो रोल डिस्टिंक्टिवली डिफाइंड है ये नहीं हो सकता कि स्टूडेंट जो है वो जाकर रजिस्ट्रार या किसी भी ब्यूरोटिक्टचर का के अंदर मौजूद लोगों का जो रोल है वो परफॉर्म कर सके तो सब के रोल जो हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं और सबको उन्हीं रोल्स के मुताबिक फंक्शन करना होता है दैन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये होता है कि एक डिवीजन ऑफ लेबर होती है स्पेशलाइजेसन uh, होती है डिवेन ऑफ लेबर से मुराद ये है कि मल्टी आपको नहीं मिलते हैं ये नहीं होता कि एक सर्टन uh, एक्टिविटी या वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक ही आदमी जो है वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता जा रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम बल्कि उस काम को जो है स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की वजह से हम डिफरेंट टास्क के अंदर डिवाइड करके तुम स्पेशलाइज्ड लोगों को के दरम्या जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जैसे हम यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मिसाल ले लेते हैं तो एक आ, टीचर की रिक्रूटमेंट या हायरिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी इसी डिवीजन ऑफ लेबर के प्रोसेस से गुजरता है इसी तरह से जो सैलरीज़ की डिसबर्समेंट है या एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है या नई इंस्क्रिप्शनस हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो सब के लिए स्पेशलाइज्ड लोग मौजूद होते हैं और उनके दरम्यान काम जो है वो तकसीम हुआ हुआ होता है ये नहीं हो सकता कि एक ही एक ही फर्द जो है वो मुख्तु टास्क को परफॉर्म कर रहा हो